तत्व। आज हम बात करेंगे बैरम खां, महाराणा प्रताप सिंह और अकबर के बारे में। जो कि आप लोगों के मन में यह ख्याल आता होगा कि बैरम खां कौन था, तो बैरम खां जो है वह अकबर का एक महानायक, महावीर, वह पितातुल्य सैनिक था। और अकबर पूरे भारत का जो है सम्राट बनाना चाहता था, और महाराणा प्रताप सिंह जो है वह चित्तौड़ का शासक था। और उस समय जो है अकबर हर जगह भारत के अनेकों भाग को जो है अकबर अपने अधीन किया, अनेकों राजपुताना महाराजा राजा सब जो है अकबर के साथ मिल गया, लेकिन महाराणा प्रताप सिंह अकेला था वह चित्तौड़ का राजा जो अकबर के साथ नहीं मिला, वह हमेशा अकबर के विरुद्ध लड़ाई किया। और जब अकबर बहुत छोटा था ना, उस समय बैरम खां जो है ना अकबर को पाला था, इसलिए अकबर जो है बैरम खां को अपना पिता भी मानते थे, चाचा मानते थे। लेकिन जब वही अकबर बड़ा होता है तो बैरम खां को मरवाता है। अब क्यों मरवाता है, कैसे मरा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन अब यहां पर यह समझना है, वह मुगल साम्राज्य था, अकबर मुगल वंश का था। अकबर किस वंश का था, मुगल वंश को। आज जो अनेकों जो है धर्मपंथी सब कहता है कि हम मुगल वंश के है, ससुरा सब मुगल वंश का था, लेकिन वो अपने आप को नहीं समझता था। आज भी जो है अनेकों जो है व्यक्ति ऐसा है कि भारत में मुगल वंश का मानते हैं, लेकिन वो सब किसी धर्म को मानते ही नहीं थे। लेकिन आज देखना है कि बैरम खां को जो है मुगल क्यों मरवाया, यानी अकबर के जो है महल में, अकबर के महल में एक ऐसी महिला थी जो हमेशा अकबर को जो है बहकाने में लगा था, हमेशा अकबर को बहकाने में लगा था। और वह जो है उस महिला के जो है बात मानते थे अकबर, और बैरम खां को जो है उस महिला से जो है कभी भी जो है तालमेल नहीं हो रहा था। तो वह महिला सोचा कि बैरम खां को जो है ना अपने रास्ते से हटवा देते हैं। तो बैरम खां को जो है बैरम खां के बारे में अकबर को बहुत चढ़ाया। और एक दिन अकबर मंगाते हैं बैरम खां को, जो आप देखते हैं, देख रहे हैं, और बैरम खां को कहते हैं कि आप जो है हमारे राज से निकल जाइए, हम आपको जो है देश निकाला देते, यानी देश हम आपको निकालते हैं, बैरम खां को कहा, और आप हज यात्रा के लिए चले जाइए। कहां चले जाइए, हज यात्रा के लिए। तो बैरम खां कहा ठीक है। बैरम खां कहा कि जब तुम बहुत छोटे थे ना, तभी से तुमको पाल पोस कर बड़े किया है, अगर हमें जो है राज्य की जो है इच्छा रहती तो छोटे में मार देते। लेकिन जो है अकबर बहुत गुस्सा आ गया और कहा जाओ तुमको हम देश से निकाल देते हैं, यही कहा। जब बैरम खां हज यात्रा के लिए गया तो उसको पहले शक था कि हमको जो है ना अकबर मरवाएगा, क्या करेगा, अकबर मरवाएगा। अब देखो यहां पर क्या होता है, अकबर जो है इधर सेना भेज दिया बैरम खां को मारने के लिए, और बैरम खां इधर जो है बैरम खां का सबसे बड़ा दुश्मन महाराणा प्रताप सिंह, और महाराणा प्रताप सिंह का सबसे बड़ा दुश्मन बैरम खां, वो एक दूसरे को जो है देखना नहीं चाहता था। लेकिन उस दिन बैरम खां खुद अपने हाथों से पत्र लिखकर महाराणा प्रताप सिंह के जो है दरबार में भेजवाया अपने सैनिक के द्वारा, गुप्तचर के द्वारा। और वो अभी जो महाराणा प्रताप सिंह उसको बचाने के लिए घोड़ा पर सवार होकर निकल गया, और रास्ते में आकर के एक जो है स्थान पड़ता है गुजरात। तो गुजरात के में आकर के उस समय गुजरात में जो है बैरम खां को घेर लिया अकबर की सेना, क्योंकि अकबर इधर आदेश भी दे दिया जाओ उसको रास्ते में खत्म करना है।
यहाँ पर बैरम खान में और अकबर की सेना में बहुत घमासान युद्ध हुआ और अकबर जो है पीछे से देख रहा था ससुराल, ये इतना हरामी क्वालिटी का था, वो पीछे से देख रहा था कब मरेगा। तो यहां पर जो है मूर्छित होकर के गिर पड़ा, पूरे घायल हो गया बैरम खान। इधर से महाराणा प्रताप सिंह भी आ गया और वो महाराणा प्रताप सिंह को बोला, अब तुम लास्ट टाइम है, हम अपना जो है सबसे बड़ा दुश्मन आपको मानते थे, बैरम खान यहां पर कहते हैं महाराणा प्रताप सिंह को, हम अपना सबसे बड़ा दुश्मन आपको मानते थे, लेकिन आखिरी टाइम में आखिरी वक्त में आपने जो है हमें बचाने के लिए आया है। अगर हम अकबर के या साथ न देकर के अगर आपके साथ हम देते तो आज भारत कहां होता। बैरम खां को यहां पर अफसोस होता है कि हम अकबर को साथ क्यों दिए, बहुत पछतावा होता है। और यहां पर जब दोस्ती भी उससे से हो जाता है, बैरम खां यहां पर मर जाता है। अब यह समझना है कि अकबर को जिसने पाला उसको नहीं अकबर छोड़ा, वो कितना जो है क्रूर राजा होगा। अकबर बहुत क्रूर राजा होगा क्योंकि इतिहास में लिखा गया है कि अकबर जब युद्ध क्षेत्र में जाता था ना किसी पर आक्रमण करने के लिए, उस रास्ते में अगर कोई गांव आ जाते थे पूरे गांव को आग लगा दिया जाता था, गांव की स्त्री पुरुष बच्चों को मार दिया जाता था, किसी को नहीं छोड़ता था, पूरे लूट करके ले जाता था। ये था अकबर, और उस अकबर को आज भारत में महान बना दिया गया है, महान बना दिया गया है अकबर को, जो कि अकबर को जो है ना इतिहास के पन्नों पर से हटा करके फेंक देना चाहिए। उस अकबर को जो है आज भारत में महान बनाया गया है और जो भारत को बचाया इसको महान बताया ही नहीं गया है, यही भारत की दुर्भाग्य है। तो वह बैरम खां जो मरा वह मरा 1561 ईस्वी में, यानी बैरम खां कब मरा 1561 ईस्वी में गुजरात प्रांत में बैरम खां की मृत्यु हुआ। फिर हम मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में।